हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट द विशाल। गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि ट्रायल हम सब के होते हैं। ट्रायल फर्स्ट स्टेप होता है क्रिकेटर बनने का। तो ट्रायल से एक दिन पहले आपका माहौल कैसा होना चाहिए, मतलब आपको क्या ऐसा करना चाहिए जो आप अच्छी तरह जाके ट्रायल दें और आपका माइंड भी फिर रहे। क्योंकि अगर आपका कल ट्रायल, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो गाइस बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसके बाद आप पूरा फ्री हो जाओगे, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे आपका माइंड सेट होना चाहिए और कैसे आप तैयारी करें ट्रायल से एक दिन पहले की बता रहा हूँ, एक साल पहले के नहीं, एक दिन पहले। तो पूरा देखना, मेरे साथ है, 19 का ट्रायल है कल, 6-7 लड़के हैं जिनका 19 का कल ट्रायल होने वाला है। तो बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी है, तो उनसे मैं मिलवाऊंगा, उनका माइंडसेट आपको बताऊंगा और क्या उनको करना चाहिए ये भी बताऊंगा। तो आज का वीडियो फुल पैकेज है। अगर आपको उनका डिस्ट्रिक्ट ट्रायल है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रायल है, स्टेट ट्रायल है, कोई भी ट्रायल देने जा रहे हो, तो कैसा होना चाहिए एक दिन पहले, आपका अकेडमी में या घर में हो तो कैसा माहौल होना चाहिए, आपके माइंड का भी और प्रैक्टिस का भी। तो चलिए गाइज, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love. तो गाइज, अब आएंगे हमारे जूनियर टीममेट जिनका कल ट्रायल होने वाला है, वो आपको एक एक करके बताएंगे कैसा उनका माइंडसेट है। अभी 5 जन हैं, 5 से हम पूछेंगे, एक एक करके बताएंगे, उसमें बैट्समैन भी है और बॉलर भी है, वो पूरा समझाएंगे कि कैसे उनके दिमाग में चल रहा है और क्या करेंगे वो। आज का सेशन बताऊंगा क्या सेशन है, एक दिन पहले क्या सेशन होना चाहिए। सबसे पहले आएंगे साहिल। हेलो गाइज। तो अब साहिल है, साहिल आपको बताएंगे गाइज साहिल का मूड कैसा इस टाइम और क्या तैयारी करेंगे वो मैं बताऊंगा लास्ट में। तो गाइज, थोड़ा मूड तो थोड़ा अभी मतलब टेंस्ड हूँ मैं कि क्या होगा, मतलब क्योंकि पिछले साल भी ट्रायल दिया था तो क्या कमी थी उसमें वो सुधारी मैंने इस साल भी, पर बस अब ट्रायल अच्छा देना। मूड थोड़ा नर्वस है कि कैसे होगा, किस तरह होगा, वो सबके मन में आता, साहिल के मन में आ रहा है ना, सबके मन में आएगा, तो वो लास्ट में बताएंगे अभी कि क्या करना चाहिए इस टाइम। तो एक साल से तो जो किया वो चलेगा, पर अब दूसरा बंदा आएगा, अभी तो साहिल ने बता दिया, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। तो गाइज, अब दूसरे जो बंदे आ रहे हैं वो आ रहा है अनस। अनस आपको बताएंगे कि अनस का ट्रायल कौन सा है और आजा भाई हमारा क्यों है। तो ये अनस है, तो अनस ट्रायल कौन सा है और क्या फील हो रहा है इस टाइम? भैया मेरा पहला ट्रायल है इस, भैया कुछ नहीं पता मतलब मुझे कि क्या करना कुछ करना, वहाँ जाके चलेगा पता भैया, इससे पहले टेनिस। तो मैं बताऊँ, ये टेनिस से खेलता है जैसे आप सब खेलते हो ना, ये भी इससे 6 महीने पहले, 6 महीने हुए ना अकेडमी में जी भैया, बस 6 महीने अपना अकेडमी आए हो, उससे पहले इसने ट्रायल वाले कुछ नहीं है, तो पहला ट्रायल है। तो इसे जो अकेडमी का माहौल है उनसे देख के सीख रहा है, कैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें देख के सीखा, अभी कुछ नहीं पता, इसको बताएंगे क्या करना है अभी लास्ट में बताएंगे। तो गाइस, अब आ रहे हैं अकेडमी के हमारे देसी नाम भी, वो अपने आप बताएंगे, इनको देसी नाम से जानते हैं अकेडमी में। तो नाम बता अपना पहले। देसी जो रियल नाम है वो बताना है। आयुष रावत। आयुष रावत है। तो ट्रायल पहला ट्रायल है ना या दूसरा? तीसरा। तीसरा है ट्रायल है इसका, एक दो साल हो गए ना अकेडमी में। तो कैसा फील हो रहा है इस टाइम भैया? अभी थोड़ा अभी प्रैक्टिस बहुत दिन से नहीं हुई सही, तो भैया थोड़ा नर्वस तो हूँ पर अच्छे से दूंगा। तो बस प्रैक्टिस हो ना हो, ये दिन ऐसा आएगा जिसमें तो नर्वस रहना ही नहीं है, जैसा भी होगा देखा जाएगा। पर गाइज, बेस्ट ऑफ लक इनके लिए बोल दो सबके लिए, आपको बताऊंगा कौन कौन सिलेक्ट होता है, कौन कौन नहीं होता है लास्ट में वीडियो आऊंगा। तो अभी इसको नर्वस हो रहा है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा आया नहीं था, क्या कारण थे प्रैक्टिस पे ना आने के? या पैर में चोट लगी थी तो इंजरी के कारण नहीं आ रहा था, पर अभी दोबारा स्टार्ट कर दिया, फिट है ना। हाँ भैया। तो एक लास्ट बंदे से मिलाते हैं जो कैमरा मैन है युवराज, वो आपको बताएंगे कि क्या उनको फील हो रहा है, रोक मत आ जाए। युवराज आपको बताएंगे कि कौन सा युवराज का ट्रायल है, कौन सा है? मेरा भैया 5वां ट्रायल है और 19 का पहला ट्रायल है। 19 का पहला ट्रायल है, पहले 16 का गया था और 14 में कैंप तक भी गया था जी। तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक बोल दे इसको भी, इसका एक्शन वैक्शन तो आपको मैं दिखा दूंगा इनका सबका, जो जो भी आए कि कैसी बॉलिंग करते हैं। तो अभी मूड क्या फील कर रहा है, किस टाइम क्या हो रहा है? मूड तो सही, जैसे पहले 19 है, थोड़े एज ग्रुप में बड़े होंगे तो कैसा फील हो रहा है, कि कोई दिक्कत नहीं? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा ही होना चाहिए, दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको बता दूं कि ये तैयारी कैसे कर रहे हैं, आज लास्ट दिन है मतलब उसका प्रैक्टिस सेशन है, उसके बाद ट्रायल देना है ना, तो क्या करना चाहिए इस दिन? गाइज, आपने सबके मूड इनके सुन लिए होंगे, कैसे मूड है, नर्वस फील कर रहे हैं। मैंने थोड़ा बात भी की थी एकेडमी आने से पहले, जैसे साहिल सबसे पहले आया था वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, भैया क्या करूँ बहुत हार्ट बीट तेज हो रही है, तो उसको भी मैंने यही बताया गाइज सबसे ज़रूरी क्या है, आपने जो पिछले एक साल में सीखा वही करना है वहाँ जाके, आप एक दो दिन में जो सीखोगे वो नहीं, जैसे हम एग्जाम में 6 महीने पहले प्रैक्टिस करते हैं, कहीं लास्ट दिन थोड़ा ही करते हैं, लास्ट दिन पूरी तैयारी करेंगे वो कर देंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा। जो हम पिछले तैयारी करते हैं, आज के दिन हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, आज के दिन क्या कर सकते हैं, अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? आपको मोटिवेशन सॉन्ग सुन सकते हो, मोटिवेशन कोई स्पीच सुन सकते हो उस टाइम, क्योंकि वो आपको बूस्ट देगी एक, वहाँ जाकर ट्रायल में फिर आप अच्छा करोगे। आपको यही नहीं सोचना कि बड़े आएंगे छोटे आएंगे, ट्रायल जो भी देना है, सबसे ज़्यादा सबसे बुरा क्या हो सकता है, आप बाहरी तो होगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना।
फिर अगले साल आएगा ट्रायल, बहुत सारे ट्रायल आते हैं, कुछ भी दे सकते हो। तो आपको वो सब माइंड से निकालना पड़ेगा कि बाहर हो जाऊंगा हो जाऊंगा। गाइज वो फिर भी होते हैं सिलेक्ट, कुछ ही लड़के होते हैं। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें आप पहले ही निकाल दो कि बाहर होंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है, फिर दे देना। तो पॉजिटिव रहो, सबसे बुरा आपने पहले ही सोच लिया, अब अच्छा बाकी है तो अच्छा आप ट्रायल में जाके करोगे। कॉन्फिडेंस से ट्रायल देना है और जो आपको सीखा है, जो आपको आता है वही करना है, कुछ वहाँ पर एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब बचा है गाइज लास्ट दिन है, कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता दूं। आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी लास्ट दिन में, आपको फ्री रहना है और गेम खेलना है कोई, जैसे अभी वो खेल रहे हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूं। गाइज ये सेटअप लगा है फुटवॉली का, फुटवॉली खेल रहे हैं सब, तो गेम खेल रहे हैं। लास्ट में जाते हुए अपना कर लेंगे कुछ प्रैक्टिस, अभी फुटवॉली का पूरा सेटअप है इनका, सबका ट्रायल है, तो सब गेम खेल रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसमें सोहेल, अनस खान और येरी बॉल। तो गाइज ये टीम अपनी बांट रहे हैं, तो ये होना चाहिए आपका भी। पहले दिन फ्री रहना है और गेम खेलना है कुछ, बिलाल अहमद। तो आपको बताऊं गाइज, आपको भी ऐसे ही करना है, एक दिन पहले आप कुछ भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकती है। हाँ, इसके गेम के बाद मैंने इनको बोल दिया है कि जाके तुम नॉकिंग कर सकते हो, अपना ड्रिल कर सकते हो थोड़ी बहुत, मतलब 10-12 बॉल ड्रिल कर सकते हो, अपना नॉकिंग कर सकते हो, बस सिंपल यही करना है। इसके अलावा आप ज़्यादा ये ना सोचो कि आज ही आप इतना थक जाओगे, अगर आज ही आप फ्री नहीं रहोगे ना, कल आज आपने पूरी प्रैक्टिस करी, आपने सोचा मैंने 200 बॉल खेली, फिर कल आप कैसे डाल दोगे, आप थक जाओगे, आपका मूड भी थका हुआ होगा। तो आपको यही करना है, आज फ्री रहना है, आधा घंटा अपना इनका खेलना, उसके बाद ये घर जाएंगे रेस्ट करेंगे। और आपको भी ऐसे ही करना है, ट्रायल से एक दो दिन पहले आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक हफ्ता पहले आप अच्छी फिटनेस कर सकते हो, पर एक दिन पहले तो आप ये कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सबसे मिला भी दिया और सबका मूड भी बता दिया और गेम कैसे खेलना है बता दिया। गेम खेले इन्होंने, स्ट्रेच किया और गेम खेलना है, स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। तो ये सबसे ज़रूरी, नींद अच्छा लेना जाके और अपना ट्रायल दो, आप भी सिलेक्ट हो जाओगे अगर एक दिन पहले देख रहे हो। तो ये माहौल है एक दिन पहले का, सबका मूड थोड़ा टाइम थोड़ा था, मैंने बात की, सब अभी फ्री हैं और अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप भी अच्छा ही फील करो। तो गाइज़ वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं गाइज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।